हेलो दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया 11, ठीक है, तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू दिया 20। तो ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस 3 ABC का मान कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूले से बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, आसानी से। फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब का फॉर्मूला, याद कर लीजिए। आपको याद नहीं है तो ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस 3 ABC प्लस 3 × ए प्लस बी प्लस सी × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इस फॉर्मूले से ये बहुत इजी तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, अब वैल्यू पुट करनी है बस। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी थी उसने, 11, तो 11 की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी है तो यहाँ पर भी 11 रख देंगे, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी थी, 20, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है, 11 की क्यूब होती है 1331, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 × 22, 22 × 66, ठीक है। तो 660 हो गया ये, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3 ABC का मान निकालना था आपको। तो 660 को क्या करना है, आपको 1331 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।